हेलो एवरीवन, तो आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और हमारा यूनिट 3 है प्रोड्यूसर बिहेवियर। जैसा कि अभी तक हमने जो किया है यूनिट 2 में माइक्रो की, उस यूनिट 2 में हमने देखा था कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। उसमें हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज किया था एंड उसमें हमने बेसिकली ये देखा था कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा एंड कंज्यूमर कितनी क्वांटिटीज परचेज करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करेंगे, जो हमने डिमांड वाले चैप्टर में किया था। तो हमने उस वाले यूनिट में यानी यूनिट 2 में सारी चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिस्कस करी थी। अब बारी है हमारी यूनिट 3 की, और यहाँ पे हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हम एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर को जानने की कोशिश करेंगे और एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर से सोचेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं जब कंज्यूमर बिहेवियर, बट यहाँ पे आपको रिलेट करना पड़ेगा खुद को एज अ प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर कैसे करेगा, ठीक है। सो यूनिट 3 में हमारे कितने चैप्टर्स हैं, हमारे ये फॉलोइंग जो हैं, एक चैप्टर 5 है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, लेट मी राइट सम चैप्टर्स। यूनिट 3 में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो यूनिट 3 में आप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम एक्चुअली में देखेंगे कि इनपुट्स और आउटपुट का क्या रिलेशन है, ठीक है। कितने इनपुट्स के बाद कितना आउटपुट क्रिएट हो सकता है, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। बेसिकली फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप बताता है। तो जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप यही देखेंगे ना कि आपको कितने इनपुट्स को लगाना है, आप कितने रॉ मटेरियल्स लेकर आओगे, कितने लेबर चाहिए आपको, कितना लैंड चाहिए, कितना फ्यूल चाहिए, सो दैट आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी प्रोड्यूस कर सके, यही होता है। सो एक्चुअली में कैसा रिलेशन होता है वो हम इस वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कॉस्ट, ठीक है, वो है हमारा कॉस्ट। अब जब हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के टाइम पर हमारी कुछ कॉस्ट इनकर होगी, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स, लेबर, ये सारी चीज़ें खरीदेंगे आप, तो आपका कॉस्ट इनकर होगा। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कॉस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। रेवेन्यू आपका क्या होगा, ऑब्वियसली जब आपने कॉस्ट देख लिया, प्रोडक्शन देख लिया, जब आप मार्केट में सेल करेंगे तो सेल करने के बाद आपको जो पैसे मिलते हैं वो प्रॉफिट तो बाद में होता है, जब आप कॉस्ट हटा देते हो वो रेवेन्यू कहलाता है आपका, राइट। तो आपको रेवेन्यू कितना मिल रहा है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इस वाले यूनिट में वो होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जैसे आपने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ा कि एक्चुअली में कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, वैसे ही आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देखेंगे कि भाई एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। एंड लास्ट में हम देखेंगे सप्लाई। जैसे हमने डिमांड पढ़ा वैसे ही हम सप्लाई पढ़ेंगे कि भाई प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एंड सो ऑन। सो दीज आर द 5 चैप्टर्स इन दिस यूनिट 3, क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा पहला चैप्टर यूनिट 3 का, दैट इज चैप्टर 5, एंड कॉन्टिन्यूएशन की अगर हम बात करें, और वो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली आपका क्या है कि जब आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसमें हमारा कितना इनपुट चाहिए ये हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। डिटेल में करेंगे हम इसको। सो हम इस वाले चैप्टर में प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा 6 मार्कर क्वेश्चन बनता है वो हम करेंगे, रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। सो ये हम पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 5 इन प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन इन डिटेल, ठीक है। लेट सपोज मुझे 20 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। पेन है, लेट सपोज मुझे पेन 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तो मुझे प्लास्टिक का है या स्टील का पेन है या जो भी चीज़ें हैं वो मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। मैं रॉ मटेरियल लिखती तो ज़्यादा बेटर है। जो भी पेन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो होगा, एक मशीन चाहिए होगी जो पेन का स्ट्रक्चर तैयार करेगा और पेन को कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। मशीन चाहिए होगा, ऑब्वियसली पार के कुछ हमारे पावर चाहिए होगी या एनर्जी कुछ भी चाहिए होगा जो मेल्ट करके पेन की शेप में बना पाए या उसको रन कर पाए मशीनरीज को, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होंगी,
ठीक है, सारा काम करने के लिए हमारे पास एक लैंड होना चाहिए, राइट। और क्या क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली वी मस्ट हैव लेबर, है ना, एंड और कुछ, आई गेस दैट्स इट। तो अभी हमारा ये सारी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि रैंडमली कुछ यूनिट्स रॉ मटेरियल की चाहिए होंगी, कुछ पर्टिकुलर मशीन चाहिए होंगी, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी और लैंड और लेबर। तो हम 20 यूनिट्स बना रहे हैं या 40 यूनिट्स बना रहे हैं, 50 यूनिट्स बना रहे हैं, दैट डिपेंड्स। तो ये जितने भी इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स का और जितना भी आउटपुट रेडी होगा, पहली बात, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन में लगती हैं, जो भी प्रोडक्शन में चीज़ें यूज़ होती हैं, हम उनको इनपुट कहते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ होंगी, वो हमारी इनपुट कहलाती है। और जो हमारा प्रोडक्शन यानी जो भी क्वांटिटी रेडी होती है, पेंस बना रहे हैं हम, यहाँ पे एक कंपनी है, तो वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। तो आउटपुट और इनपुट में एक कुछ रिलेशनशिप होगा कि इतना इनपुट लगाएंगे, इतना लेबर लगेगा तो इतना मशीनरी बन, इतना आउटपुट बनेगा, इतने केजी या इतना अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा तो इतना आउटपुट बनेगा। सो देयर मस्ट हैव सम रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, एंड दैट रिलेशनशिप इज प्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका एक प्रॉपर इक्वेशन होगा। That means अगर हम function की बात करें तो function के form में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, that quantity of a product, that is good X, quantity of good X is a function of, अच्छा एक और चीज़, ये हमारे जो inputs हैं, यहाँ पे जो machinery है and land है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारे कैपिटल गुड्स का पार्ट होते हैं, है ना, फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। पढ़ा है आपने फिक्स्ड कैपिटल के बारे में, पढ़ा है नाइन्थ में भी हमारा था, फिजिकल कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, वेयर एज रॉ मटेरियल एंड अनस्किल्ड लेबर्स एंड स्पार, ये सब हमारा क्या, किसका पार्ट होता है, ये सब हमारे वर्किंग कैपिटल का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारा क्या होता है कि रॉ मटेरियल और लेबर और फ्यूल एट्सेट्रा जो है हमारा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वर्किंग कैपिटल हैं। जो प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन ज़्यादा पेन बनाओगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ज़्यादा लेबर चाहिए होंगे एंड सो ऑन। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी फिक्स कैपिटल होती है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मशीनें हैं, लैंड है, इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर्स एंड सो ऑन। सो हम यहाँ पे टू कैटेगरीज ऑफ इनपुट्स की बात करने वाले हैं। लेट मी शो यू वेरी क्लियरली, हम यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स की बात करने वाले हैं, और वो है हमारा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, जनरली यहाँ पे रॉ मटेरियल आ जाएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल है, एंड अगर हम कहें तो लेबर है, अनस्किल्ड लेबर्स हैं, और फ्यूल एट्सेट्रा है, ठीक है, फ्यूल है, पार है, समथिंग लाइक दैट। फिक्स कैपिटल हमारा लैंड में आ जाता है, इसके बाद हमारी मशीनरीज हैं, मशीनरीज के बाद हमारे फर्नीचर हैं, इक्विपमेंट्स हैं एंड सो ऑन, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है, क्या आप दोनों में फ़र्क कर सकते हैं? भाई फ़र्क हमारा ये है कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट की जाती हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप एक बार बिजनेस सेटअप कर दोगे, आपने लैंड ले लिया, आपने फैक्ट्री सेटअप कर दी, आपने मशीनरीज ले आए, आप इक्विपमेंट्स ले आए, सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी, ये हमें प्री वो करना पड़ता है। उसके बाद आपको जिस हिसाब से प्रोडक्शन करना है उस हिसाब से रॉ मटेरियल यूज़ करोगे, उस हिसाब से लेबर यूज़ करोगे, अनस्किल्ड लेबर, यहाँ पे स्किल्ड लेबर भी आएगा अगर हम कहें तो, ठीक है। उस हिसाब से आप डेली वेज पे वर्कर को हायर करोगे, और उस हिसाब से आप पावर और इलेक्ट्रिसिटी और सम फ्यूल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आप वो यूज़ करेंगे, है ना। सो इस वजह से हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो इन सारे इनपुट्स का, जो भी इनपुट्स हैं, लैंड है, मशीनरी है, लेट सपोज मैं लैंड लिख सकती हूँ, मशीनरी लिख सकती हूँ एंड सो ऑन। वैसे हमने चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी किए थे, हम वो भी लिख सकते हैं। हम फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हमने किए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल
और लास्ट हमने किया था एंटरप्रेन्योर, याद है आप लोगों को? सो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? ये हमारा इनका रिलेशनशिप होता है प्रोडक्शन फंक्शन. एक रिलेशनशिप होगा, एक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी कि भाई इतना लैंड, इतना लेबर, इतना कैपिटल, इतना एंटरप्रेन्योर होगा तो इतना आउटपुट जनरेट होगा. सो प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ फर्म. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुकी हूँ किसका, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का, जिसमें हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिफाइन करने में हमारा यहाँ पे यूज़ होने वाला है. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर मान लो कि एक ऑलरेडी फर्म है, लेट सपोज ऑलरेडी फर्म है, एक फर्म है जो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रही है, एंड सपोज कोई फेस्टिवल है, लेट्स सपोज अभी दिवाली जो गई है हमारी, दिवाली है, तो दिवाली में जनरली क्या होता है, ज़्यादा स्वीट सेल होते हैं, ज़्यादा ड्राई फ्रूट सेल होते हैं, मे बी चॉकलेट्स का भी टाइम आ चुका है अब तो, राइट? तो ये सारी चीज़ें, लेट्स सपोज अगर स्वीट मेकिंग शॉप है या ड्राई फ्रूट तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, या आपका लेट्स सपोज चॉकलेट जो कंपनीज हैं उनको पता है कि दिवाली वाले महीने में उनका एक्स्ट्रा सामान सेल होगा, वो एक्स्ट्रा डिमांड होगी उनके सामानों की. ठीक है, तो अब क्या सिर्फ एक एक फेस्टिवल के लिए अब उनको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, राइट? अब उनको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है, क्या अगर उनको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है तो क्या वो नई मशीन खरीद लाएंगे, या को क्या वो नया प्लांट या नया लैंड वगैरह लेके, नई ज़मीन वगैरह लेके काम करना शुरू करना फीसिबल है? खुद बताओ. अब एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए हमें कोई सामान हमारा ज़्यादा बिकेगा तो क्या हम उस टाइम पर ज़्यादा इंस्टॉल कर लें मशीनरीज एंड ऑल? ऑब्वियसली नॉट ना, इट्स नॉट लॉजिकल. तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, वो जो लेबर है वो लेबर को एक्स्ट्रा रख के, लेबर को एक्स्ट्रा रख के क्या करेंगे, उनसे ओवरटाइम कराएंगे, उनसे ओवरटाइम कराया और पहले से ही प्लानिंग करके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, रॉ मटेरियल्स वगैरह लाना शुरू करेंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे तभी तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. तो धीरे धीरे करके प्लान करके वो रॉ मटेरियल, लेबर और इन सब को इनक्रीज करके उसी जगह पर ओवर टाइम वगैरह करके दूसरी शिफ्ट शुरू करके नया काम, मतलब और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, ये माइंड में समझ आ रहा है? लेकिन अगर मान लो कि एक एक कंपनी है, उसका किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ टाई अप हो गया या किसी बड़े लेवल पे, अब वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं, इन दैट केस उनको पता है कि अब उनका सामान बिकेगा ही बिकेगा, तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, वो नया जगह फैक्ट्री अपना सेटअप कर सकते हैं. एंड दीज टू थिंग्स आर डिफाइंड एज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. तो शॉर्ट रन में हमारा क्या होता है कि जब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और प्रोडक्शन इतने लंबे टाइम के लिए नहीं होता कि हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करें, वहाँ पर हम केवल कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, ऑर्डिनरी लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा. एंड हम उन सब चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं जो हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, टेक्निकल लेबर एक्सेट्रा. टेक्निकल मीन्स CEO है, या आपका काफ़ी ज़्यादा हमारे मैनेजमेंट लेवल पर काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर, कोई बड़े लेवल पे काम कर रहा है, तो उनको तो आप वैसे भी नहीं चेंज करते, वो परमानेंट टाइप के होते हैं, है ना? सो आप ये सारे लोग नए लाके क्या करोगे, करेक्ट? टेक्निकल लेबर तो कुछ ही चाहिए होंगे ना आपको. सो इस वजह से शॉर्ट रन को हम डिफाइन करते हैं इज अ टाइम पीरियड वेयर वी डू नॉट चेंज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू इंक्रीज प्रोडक्शन, वी जस्ट चेंज फ्यू फैक्टर्स, वी डोंट हैव टाइम टू इंस्टॉल सम न्यू मशीनरीज, क्रिएट अ न्यू प्लांट, न्यू फैक्ट्री, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हमारे पास छोटा ही टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन आए, इससे ज़्यादा के लिए हमें प्रोडक्शन करना भी नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी जस्ट चेंज फ्यू फैक्टर्स, दैट इज रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा, और हम फिक्स कैपिटल को चेंज नहीं करते हैं. और इस टाइम पीरियड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस टाइम पीरियड को हम शॉर्ट रन से डिफाइन करते हैं, ये टाइम पीरियड हमारा शॉर्ट रन कहलाता है. इतना क्लियर है सभी को? शॉर्ट रन क्लियर है, फाइन. ठीक है, आगे बात करते हैं हम लॉन्ग रन की. लॉन्ग रन इसका अपोजिट हो जाएगा. लॉन्ग रन में हमारे पास इनफ टाइम है, जो मैंने अभी आपको एक्सपोर्ट वाला एग्जांपल दिया कि हमारे पास इतना टाइम पीरियड है
कि हम जो है वो आपका बड़े लेवल तक प्रोडक्शन कर रहे हैं। बड़े लेवल तक प्रोडक्शन का मतलब है मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, हम सब चेंज करेंगे। सो यहाँ पर वो टाइम पीरियड है जहाँ पर ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, सब कुछ चेंज होता है। यहाँ पर सब कुछ चेंज होगा, ठीक है आपका। यहाँ पे हमारा सारी ही चीज़ें चेंज होगी। दिस इज नोन एज लॉन्ग रन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का डिफरेंस कर लेते हैं। शॉर्ट रन हमारा क्या होता है? बेसिकली मीनिंग में जब हम देख रहे हैं, शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर, वेयर एज लॉन्ग टर्म रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ उस वर्ड पे, शॉर्ट रन में ओनली वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से? देर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स इन शॉर्ट रन। वन इज फिक्स, जिसको आप चेंज नहीं कर रहे हो। वन इज वेरिएबल, जिसको आप चेंज कर रहे हो। जैसे अभी हमने रॉ मटेरियल वगैरह की बात करी, वो चेंज हो रहा है। मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? वो है हमारा फिक्स फैक्टर। इसके बाद है आपका फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन एंड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। इन द शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटरमिनेशन एज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज immediately with increase in demand. Yes. अब मेरे को ये बताओ कि अगर हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, वैसे तो ये सप्लाई से रिलेटेड आ जाएगा कि हमारा सप्लाई में किस तरह से हम काम कर रहे हैं। अगर मान लो कि हमारे पास ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है, तो क्या आप उतनी सप्लाई यानी प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कर पाओगे, जो ज़्यादा सेल कर पाओगे? आपके पास टाइम नहीं है प्रोडक्शन करने का, है ना? तो उस टाइम पर प्राइस डिटरमिनेशन में सप्लाई का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। ये वैसे जब हम सप्लाई करेंगे ना, तो हम इस वाले पॉइंट पर वापस आएंगे और इस वाले पॉइंट को मैं वापस से रिपीट करूंगी। एक बार हम सप्लाई पढ़ लें, उसके बाद हम इस वाले पॉइंट पर वापस से आएंगे, ठीक है? क्लियर है? तो अभी के लिए हम सिर्फ दो पॉइंट्स करते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के टू पॉइंट्स, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। क्योंकि जब आपको सप्लाई समझ आ जाएगा, हम जब सप्लाई प्रॉपरली मीनिंग कर लेंगे ना, उसके बाद ये टॉपिक करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आने के चांसेस है। फाइन, अभी के लिए हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कर रहे हैं। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं। लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड जिसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं। ओके, अगला। अब बात कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हमने प्रोडक्शन फंक्शन क्या देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन हमारा होता है, इट स्टेट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। एंड इनपुट में हम लिख रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है? ये होता है। अब जैसा कि हमने देखा कि हम सारे फैक्टर्स को शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए अब हम दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शन करेंगे। एक करेंगे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा हम करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि भाई ये रिलेशनशिप बताता है इनपुट्स एंड आउटपुट्स में। तो हमें पता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन की, तो इस टाइम पे हमारा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो एक्स है, ये डिपेंड करेगा किस पर? लेबर पे, रॉ मटेरियल पे, दैट्स इट। बिकॉज शॉर्ट रन है, यहाँ पे मशीनरी वगैरह, कैपिटल, बिल्डिंग वगैरह तो चेंज हो ही नहीं रही है। तो इन शॉर्ट रॉ मटेरियल को भी अगर हम हटा दें, तो हम सिर्फ लिखते हैं इन शॉर्ट रन बेसिकली क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर। वी विल इंक्रीज द लेबर, तो क्वांटिटी बढ़ेगी, और जब हम लेबर बढ़ाएंगे तब क्वांटिटी बढ़ेगी, लेबर कम करेंगे तो क्वांटिटी कम होगी। बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग मशीनरीज, बिल्डिंग्स, एट्सेट्रा, वी आर जस्ट चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स इन द शॉर्ट रन। That's why in the short run production function, it states the relationship between variable inputs. यहाँ पे आपको inputs को भी define करना और categorize करना है कि short run में हम केवल variable inputs का और output का relation देखते हैं, लेकिन जब long run में हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे हर तरह के factors का देखते हैं जो हम generally ऊपर लिखते आ रहे हैं। हर तरह के factor हैं, यानी land भी बदल सकती है यहाँ पर, मशीनरी भी बदल सकती है, तो यहाँ पे सारे ही चेंज होते हैं, लेबर भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा।
etc. So long run production function is the function in it is a period जहाँ पे सारे वेरिएबल फैक्टर चेंज होते हैं, सारे वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है, एंड इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द फैक्टर्स. ऑल द फैक्टर्स मींस वेदर इट इज फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड, वेदर इट इज मशीनरी, बिल्डिंग, लेबर, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग. सो इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फैक्टर्स एंड आउटपुट ऑफ द आउटपुट, ठीक है, ऑफ अ गुड, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे शॉर्ट रन में हम केवल वेरिएबल फैक्टर और आउटपुट का रिलेशन देखते हैं. वेरिएबल फैक्टर मीन्स लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, एंड लॉन्ग रन में हम सभी फैक्टर्स और आउटपुट का रिलेशनशिप चेक करते हैं, ठीक है. सो आई गेस इस वाले वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, बिकॉज अगर आप शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन नहीं समझेंगे तो आप पूरा यूनिट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कॉस्ट में भी हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन यूज़ होगा. बिकॉज जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट तो अराइज होता ही होता है. बिकॉज शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम बिजनेस में सभी तरह के चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इनफ टाइम नहीं है. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, जब हमारा कोविड स्प्रेड हुआ था, बिकॉज ये पैंडमिक का टाइम है, इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली सैनिटाइजर्स एंड मास्क वगैरह जो थे स्टॉक में इतना अवेलेबल नहीं था. लोगों की डिमांड बढ़ी थी, लेकिन लोगों ने क्या करा था, जो फैक्ट्रीज वगैरह थी वो उतने ही में ही ओवर टाइम वगैरह करके रॉ मटेरियल वगैरह लाके ज़्यादा प्रोडक्शन उन्होंने करना शुरू कर दिया था. बिकॉज ऑन द स्पॉट विद इन वन मंथ आपका सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पा रही थी, बिकॉज बना नहीं सकते थे, चेंज करना पॉसिबल नहीं था, दैट वॉज अ शॉर्ट रन. तब आपने देखा होगा कि मास्क कितने महंगे हो गए थे, फिर आपका सैनिटाइजर्स कितने महंगे हो गए थे, स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो गया था मार्केट में. सो दैट टाइम पीरियड वॉज नोन एज शॉर्ट रन, जहाँ पे मार्केट के प्राइस डिटर्मिनेशन में, यानी जो मार्केट में जिस प्राइस पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल हो रहा था, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सप्लाई का कोई कंट्रोल नहीं था, बिकॉज सप्लाई कर ही नहीं पा रहे थे. जितना ज़्यादा लोग खरीद रहे थे, प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे. धीरे धीरे दो चार महीनों के बाद, अब जैसा कि सबको पता चला कि ये नॉर्मलाइज होने वाला है, मास्क एंड सैनिटाइजर इज़ अ मस्ट, फिर सब ने अपनी इनपुट्स वगैरह में चेंजेस किए, जो भी उनको इंस्टॉल करना था. थोड़ा टाइम उनको, दो तीन महीना लगा, जब उन्होंने मशीनरीज, फैक्ट्रीज वगैरह जो भी सेटअप करनी थी वो सब करने के बाद, फिर सैनिटाइजर्स एंड मास्क वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गए. और अगर अब आप मार्केट में देखो तो कहीं पर भी शायद शॉर्टेज नहीं है, इवन एक्सेस सप्लाई ही हो रही है. तो अब सैनिटाइजर्स के रेट भी डाउन जा चुके हैं एंड मास्क के रेट भी डाउन जा चुके हैं. वो टाइम गया कि जब 200, 300, 400 रुपए के मास्क आ रहे थे नॉर्मली अगर हम बोले तो, अब एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी मास्क वगैरह परचेज कर पा रहा है, सैनिटाइजर भी परचेज कर पा रहा है. दिस इज़ द क्लियर एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन द रियल लाइफ. फाइन, ठीक है. सो आई होप आपको ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.